ਚੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਓਏ ਚੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ अगर मैं इसे पीछे से दुलाटी मार दूं, तो इसकी गड्डी और तेजी से छलांगा मारेगी। ओए मैंने कहा कोई प्रॉब्लम हो गई क्या जो यहाँ लैंड कर दिया? चांद समझ के गलती से तो यहाँ नहीं आ गया। मेरा डोंकी सेंस बोल रहा है कि वहाँ कुछ खतरा है। हेलो जी, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मिस्टर चड्ढा। मैं फुर्सतगंज। ये तो एलियंस है। भाग चड्ढा भाग। क्यों पकड़ लिया? अरे छोड़ो मुझे, उन एलियंस को इंसान चाहिए, गधा नहीं। छोड़ो छोड़ो मुझे, वीर बचाओ बचाओ, कोई है, पुलिस बचाओ, बच्ची की बचाओ हमें। ये मिस्टर चड्ढा अपने साथ मुझे क्यों फंसा रहे हैं? बचाओ हमें। भाग चुलबुल, जल्दी जल्दी भाग। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उतरो। थैंक यू चुलबुल, पहली बार तुम्हारी दुलत्ती खा के अच्छा लग रहा है। मिस्टर चड्ढा का पैर चाल से ना छूटा होता तो वो एलियंस मुझे भी ले गए होते। ऊपर वाले ने बचा लिया। कल रात एक एलियन शिप आया और फुर्सतगंज के कुछ लोगों को पकड़ के ले गया है। हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर चड्ढा, जिन्होंने अपनी बहादुरी से ना ही खुद को बचाया बल्कि एलियन को भागने पे मजबूर कर दिया, वरना वो पूरे फुर्सतगंज को पकड़ के ले जाते। ए, मिस्टर चड्ढा ने बहादुरी से फुर्सतगंज को बचाया? मिस्टर चड्ढा आप बताइए कल रात क्या हुआ? कल रात जब मैं अपने घर जा रहा था, मैंने एक एलियन स्पेसशिप देखा और देखा वो लोग अपने जाल में कुछ लोगों को फंसा के घसीटते हुए अपने स्पेसशिप में ले जा रहे थे। हमारे पड़ोस का एक गधा चुलबुल भी उनके जाल में फंसा था। बस फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कुंग फू, कराटे, मार्शल आर्ट्स, जो कुछ भी मुझे आता था उसका इस्तेमाल करके उन्हें इतना मारा कि वो मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगने लगे। बोले, हमें छोड़ दो, हम सब आदमियों को वापस कर देंगे। मैं उनकी बातों में आ गया। वो स्पेसशिप में गए और पहले चुलबुल गधे को छोड़ा, फिर स्पेसशिप लेकर बाकी आदमियों के साथ भाग गए। काश मैं उन आदमियों को बचा सकता, वो एलियंस मेरी आंखों में धूल झोंक गए। छोड़ूंगा नहीं इस बार मिले तो। धूल तो ये झोंक रहा है सबकी आंखों में। इतना बड़ा झूठ। अभी जाके चार दुलाकी मारता हूँ। वहाँ तो बच्चों की तरह रो रो के बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, और अब टीवी पे देखो क्या कह रहा है। दादाजी, क्या वो दोबारा भी आ सकते हैं? क्या पता, मैंने अपने सब रडार ऑन कर दिए हैं। अगर वो धरती के एयर स्पेस में एंटर भी करेंगे ना तो मुझे खबर हो जाएगी। चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। हाँ हाँ चलो चलो, मुझे उस चड्ढा को दुलाटी मारनी है। मिस्टर चड्ढा, थैंक यू। मिस्टर चड्ढा, हमें तो पता ही नहीं था आप इतने बहादुर हैं। एलियन से लड़ने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था। थ्री चीयर्स फॉर मिस्टर चड्ढा। हिप हिप हुर्रे हुर्रे हुर्रे। सब रडार ऑन है, आज अगर एलियन शिप आया तो हमें पता चल जाएगा। ये कैसे हो सकता है,
एलियन शिप आ चुका है और वो फुर्सत गंज की धरती पर लैंड कर रहा है। लेकिन हमें तो उसकी खबर तब मिलनी चाहिए जब वो धरती के एयर स्पेस में एंटर कर रहा हो। वीर, तुम जाकर चेक करो, मीनार के पास कहीं लैंड किया है, जल्दी जाओ। चड्ढा अंकल। मिस्टर चड्ढा, आप साथ हैं इसलिए हमें डर नहीं लग रहा। चिंता मत करो, अब एलियंस यहाँ कभी नहीं आएंगे। उनको मालूम है कि फुर्सतगंज का रखवाला चड्ढा है। ये लोग तो फिर आ गए, भागो! अरे मिस्टर चड्ढा, कहाँ जा रहे हो भाई? आप इन्हें कल की तरह मार मार के भगा दो। हाँ जी, अब भाग क्यों रहे हो? अरे तुम लोग नहीं जानते, ये बहुत खतरनाक है। मैं अकेला होता तो लड़ लेता, लेकिन तुम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। इमली भाग यहाँ से, जल्दी। हाँ, मैं वीर को लेकर आती हूँ। इमली, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे मम्मी पापा और बाकी सबको बचा लेंगे। ओके वीर, अपना ध्यान रखना, मैं अपनी लैब में जाता हूँ। चलो इमली। दादाजी, मैं वीर के साथ रहूंगी। ओके इमली। वीर, वो फिर लैंड कर रहे हैं, लोकेशन फूल चौक। मैं जाके देखता हूँ। बचाओ, 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 वो रहे। चलो चल के देखते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं। सामने मत आना। ओके। Thank you.
फायर सूट ऑन।